तो चलिए आज बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति को ऐसा नियम से आप समझा देंगे कि जीवन भर याद रखेगा कि नहीं। ये चैनल से जो आप सीखे हैं कुछ नया करके सीखे हैं, ठीक है। तो पिछले मैं बता देता हूँ कि इस तरह से आज बता दिया जाएगा कि कभी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजी यहाँ अंग्रेज नहीं बनना है, सिर्फ समझना है कि आकृति में कौन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, और कौन तो द्वितीय चतुर्थांश होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, किसको एक्स बोला जाता है, किसको वाई बोला जाता है। यदि नीचे वाला एक्स वाला रेखा जो है सैक्तिक रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो वाई वाला रेखा है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे होरिजेंटल, इंग्लिश से होरिजेंटल बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले याद रखना है आकृति देखकर निम्नलिखित निर्देशों को समझकर पढ़ें। यानी कि ध्यान दीजिए, अगर ये चैनल से आप जुड़ गए तो कभी भी क्लास टेंथ में 400 यानी कि 80% से कम नंबर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चैनल से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। पिछले 8 वर्षों से हर वर्ष 80% की बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान देते रहना है, इस चैनल से जुड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर घर में कोई बच्चा है नवोदय की तैयारी करता है तो उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, नवोदय की तैयारी करें या फिर कोई भी चीज़ हो, BA इकोनॉमिक्स हो, BSc का हो, इंटीग्रेशन हो, हर वीडियो इस पर इस चैनल पर उपलब्ध है। आपको बीच बीच में मनोरंजन के लिए कभी कभी कॉमेडी भी आते रहेंगे, ताकि माइंड फ्री रहेगा, ठीक है। तो कॉमेडी भी व्यक्ति को यानी छात्र छात्राओं को बीच बीच में देखना चाहिए। तो ये चैनल आप बिल्कुल आसानी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा, पूरी तरह से अगर समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक करनी है, नहीं तो नहीं करनी है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा या कहीं त्रुटि है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ त्रुटियाँ हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये चीज़ की जानकारी रहना चाहिए, ये वाला रेखा को एक्स बोला जाता है और ये वाला यहाँ से जो यहाँ रेखा है इसे वाई रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वाई रेखा। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है, उसके बाद मैं दूरी सूत्र भी बताऊंगा कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एकदम डिटेल से और सरल तरीका से बताया जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, नज़र इधर उधर ना करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर बगल में कोई हल्ला कर रहा है तो उसे शांत करें, या फिर रात में शांतिपूर्ण होकर देखें ताकि समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला जो है इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, ठीक है। ये वाला जो हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसे प्रथम चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर इधर साइड जो होता है, ध्यान दीजिए एकदम, तो बिल्कुल ये वाला साइड जो होता है प्लस होता है, ये वाला साइड जो होता है माइनस होता है, ये वाला साइड प्लस और ये वाला साइड जो होता है माइनस, नीचे वाला जो है माइनस होता है और ऊपर वाला जो है प्लस होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ कुछ उतना हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ समझना है, पहले पूरी तरह से ध्यान देना है, ठीक है। मैथ में इस चैनल से जुड़िए, मैथ का ही अक्सर ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको कभी भी मैथ में इस चैनल से जुड़ जाइएगा, कभी भी 100 से कम नंबर नहीं आएंगे। बीच बीच में जो सजेशन मिल जाएगा एक भी बाहरी नहीं आएगा, ठीक है, उसे हर नहीं आता है, पिछले 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, सबसे पहले हम बोले कि ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है यानी माइनस होता है, ठीक है। इधर जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला माइनस यानी वाई डैश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इधर जो हो गया प्लस, ये भी प्लस, तो यानी एक्स, पहले एक्स आता है, पहले ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि पहले ABCD में पहले एक्स होता है तब होता है वाई। अगर अक्सर ये सब चीज़ से आपको भेंट हुए होंगे, अगर पूछ दिया एक्स एक्स, तो एक्स एक्स बोलेगा तो लिखना है 0y। ध्यान दीजिए, अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स 0 लिख देना है, ठीक है, 0y उल्टा हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष इस तरह रहने पर इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स 0, वाई अक्ष बोलेगा तो 0y होता है, ठीक है, उल्टा हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये वाला जो साइड हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो साइड हुआ इसे एक्स एक्स के नाम से जाना, एक्स एक्स बोल रहे हैं यानी प्लस प्लस के नाम से जाना जाता है।
तो पहले होता है एगो होता है एक्स, एगो होता है वाई, ठीक है ध्यान दीजिए, एक होता है एक्स, एगो होता है वाई, तो पहले एक्स होगा तब वाई, तो एक्स में पहले क्या है ये वाला प्लस है तो प्लस लिखे, वाई में भी क्या है प्लस है तो प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वाई होता है कि एक्स होता है, पहले होता है एक्स, तो एक्स में पहले क्या है माइनस, तो यानी पहले माइनस होगा, ठीक है माइनस होगा तब क्या होगा इधर प्लस, इसको ध्यान देना है, ठीक है कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये वाला जो है क्या हो जाएगा बताइए, ये एक्स में जो है इधर है माइनस और वाई भी है माइनस, यानी दोनों हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले एक्स होता है कि पहले वाई, पहले एक्स होता है तो पहले होगा प्लस तब होगा वाई है तो माइनस, इस तरह भी होता है, ठीक है। ये भी एक्स वाई की भी जानकारी हो गया, ठीक है। अगर पूछ दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मान होता है तो होता है माइनस माइनस, दोनों क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ तक तो जानकारी हो गया होगा, ठीक है। अगर पूछ दिया, ठीक है माइनस माइनस अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है सबसे पहले एक चीज लिख लें कि ध्यान दीजिए एक्स, ठीक है ये वाला जो है x को भुज बोला जाता है, ठीक है x को भुज बोला जाता है, y को कोटि कहा जाता है, ठीक है कोटि, एकदम पूरी तरह से ध्यान दीजिए कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है समझ लीजिए। x को एक भुज बोला जाता है और y को कोटि बोला जाता है, ठीक है। निर्देशांक क्या होता है इसकी भी जानकारी दे देते हैं, ये वाला जो हुआ मान के चलिए x का निर्देशांक लिखना है, तो x का निर्देशांक यानी निर्देश हुआ, ठीक है यहाँ पर लिख दिए y, y का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए, y का निर्देशांक हो जाएगा यानी y या m मान लेते हैं, पहले y ना लिखेंगे नहीं तो फिर सेम हो जाएगा, ठीक है y लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तो हो जाएगा y का निर्देशांक हो जाएगा। चलिए बता देते हैं y का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है तो y का निर्देशांक होगा कि यहाँ पर जो बिंदु है तो y जो गया है किसके किसके पास गया है, पांच के पास गया है और चार के पास गया है, लेकिन एक चीज ध्यान देना पहले x आता है कि y, पहले x आता है तो y जो गया पहले किसके पास गया माइनस चार के पास यानी x के पास, तब गया माइनस फाइव के पास, ये चीज ध्यान देना माइनस रहे या प्लस रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये चीज ध्यान देना है कि x और y के पास जाना चाहिए, ठीक है ध्यान दीजिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो हमें कमेंट करके ही बताना है, ठीक है ध्यान दीजिए। अगला है यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, उसके बाद है देखिए उसके बाद है यहाँ तक हम निर्देशांक बता दिए हैं, ठीक है अगर बोल दिया है, ठीक है मान के चलिए यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि तीन और चार को दर्शाना है, तीन और चार को दर्शाना है, तीन कोमा माइनस चार को दर्शाना है, तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है तो इस तरह कर देना है, ठीक है यहाँ पर बना देना है, इधर क्या हो जाएगा बताइए, इधर हो जाएगा एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, इधर हो जाएगा वाई, इधर हो जाएगा वाई डैश, ठीक है तो यहाँ पर जीरो एक दो तीन, एक दो तीन चार तक लिख देंगे, चार तक है ना हाइएस्ट, चार तक एक दो तीन चार, ठीक है माइनस हो जाएगा इधर माइनस माइनस, ठीक है इधर हो जाएगा एक दो तीन चार, एक दो तीन, तो क्या दर्शाना है माइनस चार और एक्स, यानी ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, यानी वाई के माइनस चार दर्शाना है, ठीक है वाई को जो है माइनस क्या दर्शाना है चार, इधर माइनस माइनस होगा तो माइनस चार, तो यहाँ पर होगा माइनस चार, पहले एक्स के तीन, एक्स के तीन ये हो गया प्लस वाला है तो प्लस वाला, एक्स का यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है लेकिन ये माइनस वाला है, ठीक है तो ध्यान देना है ये वाला तीन और y का क्या हो जाएगा माइनस चार, यहाँ पर हो गया माइनस चार, यानी ये वाला रेखा दर्शाना है, ठीक है इसको अभी हम पूरी तरह से डिटेल से बताएंगे, ठीक है अभी फिलहाल ऐसे एक उदाहरण देंगे, ठीक है इतना बता रहे हैं डिटेल से ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि x जो है भुज होता है और y जो होता है कोटि होता है, कभी भी अब ध्यान दे दीजिए कभी भी आपको चार से पाँच नंबर से काम नहीं आएंगे, ठीक है चार से पाँच नंबर से काम कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है जितना नंबर के पूछेगा कभी भी गलत नहीं, तो निर्देशांक पाँच छः नंबर के पूछते हैं, अगर ज़्यादा के भी पूछे तो एक भी अंक गलत नहीं होंगे, ठीक है ध्यान दीजिए।
तो ये पहली बात ये जानकारी होना चाहिए, ये तो बीए में भी है ठीक है, इंटर के किताब में भी दिया गया है कि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसे सेकेंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस माइनस होता है ठीक है, और इसमें जो होता है प्लस माइनस होता है। क्यों होता है हम बता दिए कि पहले एक्स होता है तब वाई होता है, एक्स जो है प्लस में है और वाई जो है माइनस में है ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ तक हो गया, अब आगे ध्यान देना है कैसे बनाना है ठीक है, तो पूरी तरह से पहले ध्यान दीजिए इस तरह के होगा। मान के चलिए क्वेश्चन में पूछ दिया है इस तरह के ठीक है, पहले मिटा देते हैं सब तो पूरी तरह से, ध्यान दीजिए कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आज के बाद से निर्देशांक कभी भी गलत नहीं होगा ठीक है। अगर पूछ दिया कि प्रथम चतुर्थांश को लिखे, प्रथम चतुर्थांश ए को लिखें, इसके बाद दूसरा बोल दिया है ठीक है, दूसरा बोल दिया है ठीक है, या फिर बोल दिया है यहाँ पर प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश का है, कौन सा चतुर्थांश का है, या प्लस माइनस का चतुर्थांश लिखे, प्लस माइनस का चतुर्थांश लिखे, प्लस माइनस का चतुर्थांश लिखे। तीसरा में मान के चलिए बोल दिया एम का निर्देशांक लिखे, चौथा बोल दिया ए का निर्देशांक लिखें, ए का निर्देशांक लिखें, पांचवा मान के चलिए बोल दिया है कि एम हो गया मान लेते हैं कुछ भी, सी का कोटि लिखें ठीक है, उसके बाद बोल दिया है ठीक है सी का कोटि, बोल दिया है डी का निर्देशांक लिखें, सात नंबर में बोल दिया कि माइनस माइनस का चतुर्थांश लिखें, मान के चलिए आठ में पूछ दिया है कि जेड का कोटि लिखें ठीक है, अभी रहने दीजिए इतने बस ठीक है, और एक उदाहरण दे देते हैं एफ का भुज लिखें, भुज लिखें ठीक है। तो कैसे बनाना है इस तरह के क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा तरह की क्वेश्चन निर्देशांक से नहीं रहेंगे, ये नाइन्थ का आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए मान के चलिए है प्रथम चतुर्थांश ए को लिखे, तो यहाँ पर हम दर्शा देते हैं सबसे पहले ए, प्रथम चतुर्थांश जो है ए को लिखना है ठीक है, एक ही नाम हो गया, एक ही नाम हो गया प्रथम चतुर्थांश, हम यहाँ पर लिख देते हैं बी लिख देते हैं ठीक है, यहाँ पर लिख दिए बी, प्रथम चतुर्थांश हो गया। मान के चलिए लिखना है एक्स वाई का, एक्स वाई का चतुर्थांश एम का निर्देशांक लिखें ठीक है, मान के चलिए हम लिख दिए हैं एम का निर्देशांक लिखें, उसके बाद है ए का निर्देशांक लिखें, ए का निर्देशांक लिखें, उसके बाद है सी का कोटि लिखें, उसके बाद हो गया मान के चलिए ठीक है सी का कोटि लिखें, उसके बाद है सी हो गया डी का निर्देशांक, मान के चलिए पूछ दिया है कि डी का निर्देशांक लिखें ठीक है, उसके बाद मान के चलिए पूछ दिया वाई वाई का चतुर्थांश, वाई वाई का चतुर्थांश किस चतुर्थांश का है, जेड का कोटि लिखें, जेड का कोटि लिखें, उसके बाद है एफ का भुज, उसके बाद है एफ का भुज लिखना है ठीक है, एफ का भुज लिखना है। तो ध्यान दें ये जो है पूरी तरह से पहले हम लिख चुके हैं, उसके बाद लिखना है सीरियली बार प्रथम चतुर्थांश बी को लिखना है,
प्रथम चतुर्थांश जो है बी को लिखना है। प्रथम चतुर्थांश क्या है? बी। तो इस चतुर्थांश के क्या बोला जाता है? प्रथम चतुर्थांश बी सिर्फ लिख सकते हैं, बी नहीं भी लिखे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश के बी वाला को लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर अगर आपके पास जगह है तो नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर, लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश बी को लिखना है। तो प्रथम चतुर्थांश किसको बोला जाता है? ये हुआ प्रथम चतुर्थांश, ये हुआ बता दिए हैं दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, यहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बी को लिखना है, बी जो है यहीं पर ध्यान देना है, बी जो है बी किसके किसके पास गए? तीन के पास गया और चार के पास गया, यानी कि तीन के पास गया और चार के पास गया, बिल्कुल सही बात है या गलत? बिल्कुल ये गलत बात है, गया ठीक है, पहले तीन के पास गया और चार के पास गया, लेकिन हम बता चुके हैं कि पहले एक्स होता है तब वाई होता है, ठीक है। तो बी जो गया किसके पास गया? एक्स के पास, पहले एक्स होगा तो ये वाला लिखना है पहले, यानी कि पहले क्या होगा? चार होगा। फिर ध्यान भी देना है माइनस है या प्लस में है, ध्यान दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले चार होगा तब उसके बाद कोमा तीन होगा, ये हुआ सही सटीक नियम, ठीक है। एक चीज जानकारी यही रखना है कि पहले एक्स होता है तब वाई होता है, ठीक है। एक्स एक्स पूछेगा तो लिखना है एक्स जीरो, वाई एक्स पूछेगा तो लिखना है जीरो वाई, इस तरह के निर्देशांक होता है, ठीक है, बनाने के लिए। अब पूछ रहा है एक्स एक्स एक प्लस और माइनस का निर्देशांक कहाँ, कहाँ पर कौन से चतुर्थांश में चतुर्थांश लिखना है? प्लस और माइनस का चतुर्थांश लिखना है, इसमें होता है पहले प्लस और माइनस होता है, बताइए ये होगा एक्स का ये होगा वाई का, तो प्लस और माइनस होना चाहिए, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होगा? तो यहाँ पर एक्स का प्लस, यहाँ पर हुआ एक्स का प्लस, और वाई के माइनस कहाँ हो जाएगा? माइनस, यानी प्लस माइनस किस में होता है? यहाँ पर होता है, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस यहाँ होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस इस चतुर्थांश के क्या नाम है बताइए? इस चतुर्थांश के नाम है एक दो तीन चार, यहाँ शुरुआत होता है, चौथा क्वाड्रेंट का चौथा हो गया। अब लिखना है कि एम का निर्देशांक लिखना, एम है कहाँ? एम का निर्देशांक लिखना है, कहाँ है एम? यहाँ पर है। एम का निर्देशांक क्या हो जाएगा? एम जो गया किसके पास गया? छः के पास गया और माइनस दो के पास गया, ठीक है। तो छः कोमा माइनस दो लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, कारण है फिर एक बात ध्यान देना है, वही बात कि एम जो गया है, ठीक है, एम जो गया है पहले एक्स के पास जाएगा तब वाई के पास, पहले एक्स होता है तो एम जो गया माइनस टू होगा, माइनस टू तब क्या हो जाएगा? छः। ये चीज की जानकारी होगी थी। अब लिखना है ए का निर्देशांक, अब बिल्कुल फटफट लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही फास्ट लिख दीजिए। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ए का निर्देशांक पहले एक्स वाला होगा, ठीक है, माइनस छः, तब होगा वाई वाला माइनस तीन, माइनस में रहेगा प्लस में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले एक्स वाला ही लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिए बिल्कुल आसानी से लिखे, कभी भी गलत नहीं होगा। सी का कोटी कोटी होता है, हम बता दिए हैं कि यहाँ पर हम बता देते हैं ये वाला जो होता है भुज होता है, ठीक है, ये वाला भुज और वाई वाला कोटी, इसको याद रखिएगा, वाई वाला होता है कोटी। तो ध्यान दीजिए वाई जो होता है कोटी होता है, ठीक है, वाई जो होता है कोटी होता है, तो कोटी पूछा सी, सी कहाँ पर है बताइए? सी जो है यहाँ पर है, तो किसको लिखना है? सी पूछ रहा है कोटी, कोटी मतलब वाई वाला लिखना है, तो सी जो गया किसके पास गया? वाई के पास, वाई के जो पास गया तो क्या होगा बताइए? वाई के पास गया, ये हुआ सी, सी होता है एक्स और एगो होता है वाई, ठीक है, सी जो गया है एक्स के पास गया है ये वाला रेखा में और वाई के पास, लेकिन लिखना है वाई वाला, वाई वाला कितना है? चार और पाँच के बीच में है, तो हो जाएगा साढ़े चार, यानी 4.5, माइनस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है, ध्यान देना। डी का निर्देशांक किसके किसके पास गया? डी पहले एक्स के पास, तो लिखना है माइनस छः, तब लिखना है माइनस थ्री, नहीं प्लस हो जाएगा थ्री, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस में नहीं है, ठीक है, जो है डी का निर्देशांक, डी जो गया है माइनस छः के पास गया है और तीन के पास गया है। अब लिखना है माइनस माइनस का चतुर्थांश लिखे,
इसमें माइनस माइनस आता है, यानी एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस किसमें आता है, इसमें होता है ठीक है, माइनस माइनस इसमें एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस ठीक है, पहले एक्स वाला होता है। तो कौन सा चतुर्थांश का है, तीसरा चतुर्थांश का है ठीक है, जिसे क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। जेड का कोटि, फिर बोल रहा है जेड का कोटि लिखना दीजिए, देखिए आप जेड का क्या लिखना है, कोटि, कोटि होता है वाई वाला, कोटि जो होता है वाई वाला, तो वाई वाला लिखना है माइनस टू, सिर्फ माइनस टू होगा। निर्देशांक पूछेगा तो दोनों होगा, पहले एक्स वाला और वाई वाला, कोटि पूछेगा तो वाई वाला और भुज पूछेगा तो एफ का भुज, एफ का भुज हो जाएगा। एफ कहाँ पर है, एफ को खोजना है, एफ है यहाँ पर, एफ का भुज, भुज क्या हो जाएगा एक्स वाला, भुज जो होता है एक्स वाला, तो भुज जो है एफ, एफ जो है इसके पास गया इसके पास, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर चार इंच ठीक है, ये जो हो गया बिल्कुल चार इंच। तो आप बिल्कुल आसानी से चतुर्थांश सीख गए ठीक है, क्वाड्रेंट सीख गए जिसे चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है, प्लस माइनस सीख गए, एक्स वाई कोटि सीख गए, निर्देशांक सीख गए ठीक है। अब इसी पर आधारित होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। इसी पर मान के चलिए अगला दिन बताएंगे कि ये वाला जो हुआ तीन चीज होता है, इसका तीन नियम होता है ठीक है। पहला जो होता है ठीक है, एक दूरी सूत्र, दूसरा होता है विभाजन का सूत्र से, और उसके बाद होता है तीसरा जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ठीक है। तो आज हम दूरी के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं ठीक है। मान लीजिए कोई रेखा है, मान लेते हैं पाँच चार तीन दो के बीच की दूरियां ज्ञात करें, तो लिख देते हैं इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, मान के चलिए ठीक है कि फर्स्ट लिख देते हैं ठीक है, ध्यान दीजिए, मान के चलिए रहेगा कि क्वेश्चन है कि आठ चार और छ माइनस तीन के बीच की दूरियां ज्ञात करें, बीच की दूरियां ज्ञात करें, दूरियां ज्ञात करें ठीक है। बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले दूरी बनाना है ठीक है, आठ चार और किसका दूरी बनाना है, आठ चार और किसका बनाना है दूरी, ए का, इसका मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी ठीक है। तो हो गया आठ चार और ये हो गया छः कोमा माइनस थ्री, तो लिखना है ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होगा वन वन, ये होगा दू दू यानी टू टू ठीक है, एक्स वन, अब एक्स वन बराबर क्या हो गया आठ, वाई वन, वाई वन बराबर क्या हो गया चार, इसमें क्या हो जाएगा x2 बराबर 6, y2 बराबर माइनस 3 ठीक है। तो दूरी के सूत्र से, तो लिखना है दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, तो दूरी के सूत्र से ठीक है, दूरी सूत्र से लिखना है, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सब जो होता है रूट के अंडर होता है, तो पहले बोला जाता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब हो गया बस थोड़ा सा है, x2 कितना है बोलिए माइनस 3, तो लिखते हैं माइनस 3, ये पहले से है माइनस तो माइनस, अब क्या लिखना है x1 क्या है 8 है तो 8 लिख लिए, स्क्वायर हुआ तो होल स्क्वायर, प्लस है प्लस, y2 कितना है माइनस 3, ओ क्या लिख रहा है x2 क्या हुआ 6, x2 कितना हुआ 6 और x1 कितना हुआ x2 6 और x1 हुआ 8, तो लिख दिया 6 में 8 गया ठीक है। अब इसमें लिखते हैं y2 माइनस y1 तो माइनस 3 और क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस 4 का स्क्वायर ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं 6 में 8 नहीं जाएगा इससे गया, तो यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा यानी 2
जुट जाएगा, ठीक है। तो 4 3 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, यानी हो जाएगा रूट अंडर 53 एमएम या वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह करके दूरी का भी सूत्र निकाल सकते हैं। कहीं भी डाउट है या कोई भी चैप्टर चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए कि कोई भी चैप्टर चाहिए, जैसे कि क्लास 9 का, 10th का, 11th का, 12th का, BA का, BSc का, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बनता है। बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे आसान सवालों का जवाब देना है, ठीक है, बिल्कुल सही सटीक और संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप है, इसकी जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। तो ये हुआ इस तरह के क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत है तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें।